अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे आप सब लोग, मैं हूँ अजीम अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, आज मैं बताऊंगा कि दुबई में आरटीए कार्ड कैसे बनता है और इसके लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं, तो ये सब कुछ मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, तो दुबई के रिलेटेड सारी वीडियोज़ आया करेंगे इस चैनल पर। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आरटीए कार्ड किस लिए होता है। आरटीए कार्ड आपको, अगर आपने लेमोजीन पे काम करना है, उबर क्रीम पे काम करना है या आपने टैक्सी पे काम करना है, तो वो आपको लाजमी लेना पड़ेगा, क्योंकि वो आरटीए की तरफ से होता है, वो आपको लाजमी लेना पड़ेगा। उसके अलावा ना तो आपकी उबर क्रीम की आईडी बन सकती है। तो ये कैसे लेते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास कंपनी का वीज़ा होना चाहिए। अगर आप लेमोजीन में करते हैं तो लेमोजीन कंपनी का वीज़ा होना चाहिए। अगर आप टैक्सी में करते हैं तो टैक्सी का वीज़ा होना लाजमी। अगर आपके पास वीज़ा है कंपनी का, टैक्सी का या लेमोजीन का वीज़ा है, तो आप फिर अपनी कंपनी को कहेंगे, वो आपकी मेल करेगी, कंपनी आपकी मेल करेगी आरटीए को, वो फिर आपकी ट्रेनिंग बुक करेगी। 20 लेक्चर होते हैं इसके, जिसकी फ़ीस 2100 दिरहम होती है। 2100 दिरहम फीस होती है आपकी ट्रेनिंग की, वो इंग्लिश में होती है बिल्कुल। वो आपको समझाते हैं दुबई की नॉलेज के बारे में, समझाते हैं लोकेशंस के बारे में, समझाते हैं मॉल बताते हैं ये कहाँ पे है, जो जो फेमस जगह है उसके बारे में बताते हैं कि ये मॉल्स कहाँ पे है, ये मस्जिद कहाँ पे है, ये होटल्स कहाँ पे है, ये बीच कहाँ पे है, ये सब कुछ वो लेक्चर्स में बताते हैं। इवन के आपको वो फिर 5 ट्रेनिंग डेज होते हैं, जो वो आपको बाय रोड लेके जाते हैं बस पे, दिखाते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे है, ये मस्जिद यहाँ पे है, ये होटल्स यहाँ पे है, ये मॉल यहाँ पे है, वो सब कुछ आपको 4 दिन या 5 दिन वो आपको लेके जाएंगे। उसके बाद टेस्ट होगा। टेस्ट में वो आपसे पूछेंगे ये मॉल्स कहाँ पे है, कौन सी स्ट्रीट में है, कौन से रोड पे है, कौन से एरिया पे है, वो सब कुछ पूछेंगे। और ये काफ़ी मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। वो पूछने के बाद एक और उसमें क्वेश्चंस होते हैं कि ये होटल्स से लेके वो होटल तक, या जुमेरा से लेके मरीना तक कौन सा रोड इस्तेमाल होता है, बुर्जुल अरब से लेके बुर्ज खलीफा तक कौन सा रोड इस्तेमाल होता है, वो आपको बताना पड़ेगा। तो वो अगर आपने पास कर लिया, वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो जिस भाई ने भी लेना है, मेरी वीडियोज़ देख रहा है, वो काफ़ी मेहनत करे, क्योंकि वो बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद फिर वो पास करते हैं, उसके बाद एक आरटीए टेस्ट होता है। आरटीए इंग्लिश नाम दिया गया उसको, आरटीए इंग्लिश टेस्ट। वो 120 दिरहम का वो होता है, 120 दिरहम उसकी फ़ीस होती है। वो भी होगा, वो भी फिर वो आप पास करते हैं, कंपनी आपकी फिर वो अप्लाई करती है, वो फिर आपका टेस्ट डेट आ देती है कि यहाँ पे इस दिन आपका टेस्ट होगा। वो आप टेस्ट देने जाएंगे, वो सारा इंग्लिश में होता है वो भी, और उसमें भी वो सारा अबाउट जो काम होता है लेमोजीन का या टैक्सी का, उसके बारे में पूछते हैं कि जो गेस्ट होता है, कस्टमर होता है, उसका जो भी बिहेवियर हो या वो क्या सिचुएशन है, उसमें क्या आपको करना चाहिए, गाड़ी ख़राब होगी तो क्या करना चाहिए, कस्टमर पैसे नहीं दे रहा तो क्या करना चाहिए, वो सारे ही कुछ उसमें वो पूछते हैं। और काफ़ी 100 सवाल होता है, मेरा ख्याल में 100 सवाल होते हैं उसमें। तो उसमें 60-70 वाला पास होता है, जिसने सही बता दिया वो पास, वरना फिर वो 120 दिरहम देगा, फिर दोबारा वो देगा। वो पास करने के बाद, उसके बाद आपका फिर एक आरटीए मेडिकल करवाना पड़ता है आपको। मेडिकल लाजमी है, आपको करवानी पड़ती है। मेडिकल करवाने के बाद, मेडिकल 200 दिरहम का होता है, मेडिकल भी 200 दिरहम का होता है। मेडिकल करवाने के बाद फिर एक CID रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट मीन्स के पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, वो आपको लाजमी चाहिए होता है कि यहाँ पे आपका कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है, आप बिल्कुल क्लियर हो, आप बनवा सकते हो आरटीए कार्ड। वो आने के बाद वो 2-3 दिन उसमें लग जाते हैं, मेडिकल में 2-3 दिन लग जाते हैं।
और वो आने के बाद फिर आपका प्रिंटिंग के लिए जाता है आरटीए कार्ड, उसमें 250 दिरहम फीस होती है, और ये सारा कुछ मिला के तकरीबन 1.5 माह के करीब, 45 दिन के करीब आपका टाइम लग जाता है बिल्कुल आरटीए कार्ड लेते लेते। 40 डेज आपको लग जाते हैं, तो ये टोटल अमाउंट हो जाती है 3,500 दिरहम तक, तो ये आपका कॉस्ट आएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, तो आई होप कि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आरटीए कार्ड के बारे में। तो फिर से जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पे दुबई के रिलेटेड हर वीडियो आया करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए